जी भाई नमस्कार, जी वेलकम वेलकम। ब्रदर भाई। कैसे हैं भाई? ठीक हैं, जी भाई बहुत ठीक। मतलब आप कैसे हैं? जबरदस्त। सनातनी भाई हैं ना आप हमारे? जी, सनातन भाई। ये हमारी सिस्टर अभी बता के गई हैं। वो कहती हैं कि एक सनातनी सिस्टर थी, कहती हैं कि वो जो इंदर है ना, इंदर ज्ञान था, उसका बेटा था, उसने जी। खुद ही भेजा हुआ था। ये जो सुंदरकांड के अंदर वाक्य आया ना, वो कहती है कि सीता जी के स्तनों के साथ उसने छेड़खानी की है, तो वो स्पेशल इंद्र ने भेजा था कि राम जी की पत्नी के साथ छेड़खानी करो। तो क्या आप एग्री करते हैं उससे? बाप बेटा दोनों। मैं इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके स्ट्रीम का मकसद क्या स्ट्रीम का मकसद ये है कि देखें, सनातनी महिलाओं को एक रोल मॉडल मिलनी चाहिए। तो देखें कितनी खूबसूरत और कितनी जबरदस्त देवी हैं सीता जी। मकसद ये है कि उनका पैगाम पहुंचाया जाए, जो उन्होंने अपने चरित्र की राह से हम तक पहुंचाया ना, मैं चाहता हूँ कि वो सनातनी महिलाओं तक चला जाए, ताकि वो उसका पालन पालन करें। यकीनन आपके लिए भी सुख हो जाएगा। नहीं आपकी महिलाएं जब देखिए, इस ये तरह से आप जाएंगी ना जी सीता जी को फॉलो करते हुए, कि उनकी कोई स्थानों को हाथ मार रहा है और वो अपने पति को भी नहीं बताती और खुद भी चुप रहती हैं, तो अगर आपकी महिलाएं भी ऐसे ही करेंगी, क्योंकि सीता जी ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि बोलना नहीं, तो यकीनन आपके लिए तो ये भाग्यशाली बात होगी। वो तो सही है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? हाँ यही आपने मकसद दिखाने है, के यही बाद मकसद नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप एक सनातन के जो खामियां है आप उसको उजागर कर रहे हैं, इसके बाद आप उसको मतलब कंपेयर करके कर इस्लाम के कुछ अच्छा या बताएंगे, तो कम से कम लोग लोग तो कन्वर्ट होंगे इस्लाम में। जी। देखें, इस्लाम की आपने बात की है, तो इस्लाम लानत भेजता है ऐसी स्त्रियों पर जो अपने प्राइवेट पार्ट्स लोगों को दिखाती फिरे और उनके साथ ऐसी हरकतें वो करवा लें और चुप रहे। इस्लाम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता, कतन नहीं देता। ठीक है, आपने कहा जी कंपेयर करके, अच्छा ही बता दें। अब मुझे बताएं कि एक स्त्री है, अपना पुरुष उसका घर पे नहीं है या घर पे उसकी गोद में लेटा हुआ है, और एक दूसरा पुरुष आके उसके स्तनों के साथ उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है और वो बोल नहीं रही है, और एक तरफ वो स्त्री मौजूद है जो किसी प्राय पुरुष को देखती तक नहीं है, उसको इजाजत ही नहीं है, उसका धर्म उसको इजाजत ही नहीं देता कि प्राय पुरुष की तरफ देखे या प्राय पुरुष को घर में आने दे अपनी पति की गैर मौजूदगी। अब मुझे बताएंगे, एक तरफ सनातन की प्रैक्टिस हो रही है और दूसरी तरफ, दोनों में से कौन सी बेहतर लगती है आपको? नहीं, ये सनातन प्रैक्टिस नहीं है। मैं मतलब मैं जितना सुना हूँ कि ये जो इंद्र का पुत्र है जयंत, अच्छा, ये प्रैक्टिस नहीं है। ये मतलब प्रैक्टिस तब भी होनी है कि जब नीचे वाले भाग में कुछ हो, ऊपर वाले भाग में हो जाए, तो प्रैक्टिस ही नहीं है। सब में प्रैक्टिस होता है, सनातन में भी होता है, इस्लाम में भी होता है, क्रिश्चियन नहीं तो आप कैसे को नहीं, दुनिया में आए? सनातन की प्रैक्टिस की बात हो रही ना, सनातन की प्रैक्टिस तो होती है ऐसे। देखिए आपने माता पिता ने इसे प्रैक्टिस किया होगा तो आप इस दुनिया में आए ना। देखिए, वो एक लीगल तरीका है ना, मेरे माता पिता ने शादी की है, जी इस्लाम ने बताया शादी करके उन्होंने की है, लेकिन ये जयंता ने शादी राम जी ने की है, मजे जयंता ले रहा है इंद्र का पुत्र। तो ये नहीं, वो एक सुंदरकांड सर गलत काम 67 था। के अंदर लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, फर्क ही कोई नहीं, एक आपके माता पिता थे, नहीं एक हनुमान जी के माता पिता थे, कसेरी बंदर की वो पत्नी थी अंजना, और पवन देव उनको हनुमान दे रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर राम जी गोद में सोए हुए हैं, उनकी पत्नी की इज्जत के साथ वो जयंता खेल रहा है इंद्र का पुत्र, सुंदरकांड नहीं राम जी की गोद में परिक्रमा सोए, ये सिस्टम तो भी का। गलत बात नहीं है ना। अपने नहीं, ये पत्नी गलत बात अपने नहीं लोग है, नहीं ये गलत बात नहीं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं वो जाए। कैसे भगवान है जिनकी पत्नी की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, इतना करीब पड़े उन्होंने पता ही नहीं चला, और फिर देवी सीता जी खामोश हैं। और ये वाक्य एक बार नहीं हुआ, एक होता है कि एक बार ये वाक्य नहीं, हुआ, ये एक बार आपको वाक्य भी नहीं आपको हुआ। पहले आप तो आपको तो पता होगा ही, तो जो भक्त राम है वो विष्णु का अवतार है और माता सीता लक्ष्मी का अवतार है, यार देखो ना, ये तो लक्ष्मी का मतलब ये है वो अभी कि इंद्र दुनिया का में आए पुत्र आके हैं। उसको, नहीं सुनिए ना, वो दुनिया में आए हैं, मतलब वो मानव का रूप, मानव के रूप में है। अच्छा, हाँ, तो अभी अगर जयंत, अगर कोई बुरा का बुरा आदमी अगर बुरा काम करेगा तो उसमें जो वो दो फेस करेगा उसका तो चलिए मैं गलत आपके नहीं है सामने ना वो। एक, ठीक है, नहीं इंसानों की सुनिए, आपने वो बात की, इंसानी रूप में आए, एक 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 अर्ज कर लेने दीजिए, उसके बाद आप आते हैं। देखें, दो औरतें हैं, दोनों के साथ सेम वाक्य पेश आता है, एक महिला को कोई प्राय पुरुष आके छेड़ता है, वो शोर मचा देती है, डंडा उठा लेती है या मुंह पे थप्पड़ मारती है या अपने पति को बताती है, एक बोलती नहीं है, वो हाथ उठ फेर जाता है उसको, दोनों में से कौन सी बेहतर है?
दोनों औरतों में से बेहतर कौन सी? नहीं, जो अपोज करेगा वो बेहतर है, वो सही है, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट तो समझना चाहिए ना। जिसने शोर मचाया वो बेहतर है, जिसने अपनी हिफाजत की या थप्पड़ मारा वो बेहतर है कि नहीं है? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जयंत ने गलत काम किया, उसको कोई से सही नहीं मानता, गलत काम करके वो चले। ऐसा करते हैं, अगर आप सुनिए ना, मैं सुने ना, हाँ वो मतलब वो कौवा के रूप में आया, गलत काम करके चला गया, राम जी को पता चला, वो गुस्सा हुए, उसके बाद वो नहीं, नहीं आपने कहा काम करके चला गया, क्या काम करके चला गया है, क्या काम किया था उसने? अब जो बोल रहे हैं वही काम करके चला गया। सनातन की प्रैक्टिस की थी, देखिए सनातन में काम क्रोध लोभ ये सबको मतलब खराब माना गया है। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसको रोक नहीं पाएगा ना, बुरा आदमी बुरा काम करेगा। अच्छा अच्छा, बुरे आदमी को रोका नहीं जाएगा, उसका दंड भी उसको, बुरा काम करेगा तो दंड भी उसको मिलेगा। राम जी ने उनका दंड दिए, फिर वो क्षमा मांगे राम जी को, उसके बाद उनको राम जी ने क्षमा किए, राम जी ने क्षमा कर दिया। अगर आपकी पत्नी के साथ कोई ऐसा करे और आपकी पत्नी आपको बताए भी ना, आपको खुद ही पता चल जाए, तो आप फिर क्या करेंगे? माफ कर देंगे? वो कहेगा कोई बात नहीं है, मैं आज ही आया था तो मुझे माफ कर दें, तो आप माफ कर देंगे फिर? जी, अगर कोई अगर वो अपना दोस्त स्वीकार करेगा तो क्यों नहीं माफ करेंगे? अच्छा, माफ कर देंगे मतलब वो सनातन की प्रैक्टिस उसने कर ली आपकी पत्नी के साथ, आपको पता चल गया, तो आप उसको माफ कर देंगे जैसे राम जी ने माफ किया? और आप अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहोगे, तुम बोली क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम प्रैक्टिस करवाती रही, तुम बोली क्यों नहीं? पत्नी से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? देखिए, अगर कोई एक्सट्रीम गलत काम करेगा तो उसके लिए सजा है, तो सजा उनको वो भी ली, फिर उसने माफी मांगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये खातून जो अपनी इज्जत लुटवा रही है, बोल नहीं रही है, पति को गोद में लेके पड़ी हुई है, वो पति किस लिए रखा हुआ है अगर उसने उसकी रक्षा नहीं करनी उसकी इज्जत की, तो पति को उठा लेती? ये प्रैक्टिस ही करवा दी है, मैं ये एतराज कर रहा हूँ। नहीं, वो गलत काम करके चला गया, वो अभी रुका नहीं यार, वो करके चला गया, उन्होंने भी तो करवा लिया ना, उन्होंने भी तो रोका नहीं उसको, वो रोकने के कई तरीके थे, वो रुका नहीं, रुका था राम जी को उठा लेती। कहाँ पे लिखा है रुका? तो क्या रुकेगा क्या? मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, जिस तरह आपको समझ आए, फिर लोग मुझे कहते हैं आप पर्सनल हो जाते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की गोद में लेटे हुए हों, कोई पुरुष आके उनके साथ ये हरकत करने लग जाए, उसको चाहिए आपको उठा के, वो उसको रोक नहीं पा रही, उसको चाहिए आपको उठा दे कि आप उसकी रक्षा करें, उसकी इज्जत की, ये उसको चाहिए कि कोई बात नहीं आप लेटे हुए करवा रहे सनातन की प्रैक्टिस, क्या करना चाहिए आपकी पत्नी को? देखिए, वो किया वो सीता जी के जो प्राइवेट पार्ट को वो मतलब ये करके उसको मतलब क्या करके जो भी करके चला गया, हाँ छिड़कान करके चला गया, ठीक है, उसके बदले में तो कहाँ गया फिर? वो कहीं पर भी नहीं गया, उसने अच्छी खासी छेड़खानी की, और एक बार नहीं वो बार बार करता था, एक बार हो चुका है। कहाँ पे लिखा है रेफरेंस दिखाओ, कहाँ पे लिखा है बार बार करता था? देखो सेबासिस भाई, रेफरेंस तो मैं दिखा दूंगा कि ये वाक्य एक बार नहीं हुआ, ठीक है, मैं तो दिखा दूंगा। नहीं, आप उसी की बात कर रहे हैं। निकला अली भाई, खून निकला कि नहीं निकला? खून जुल्फकार भाई, खून के फुवारे छूट गए, यहाँ तक के लिखा हुआ है कि सीता जी नहा गई खून में, इतना खून निकला। कहाँ पे लिखा है? दिखाई तो कहाँ में नहा गई खून पे, कहाँ पे लाते दिखाई? अरे भाई आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं दिखा देता हूँ। आप एग्जैजरेट करके उसको बता रहे हैं भाई, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं ये दिखा देता हूँ कि इस हद तक खून निकला कि सीता जी खून में नहा गई फिर भी नहीं बोली, इसके ऊपर आप कहेंगे क्या करेंगे क्या? ये बता दें कहाँ पे वर्ड लिखा है कि खून में नहा गए, अब दिखाई तो कहाँ पे लिखा है नहा गए? अरे भाई, मैंने जब कहा है कि जुमला ले रहा हूँ पब्लिक के सामने तो मैं दिखाता हूँ, और आज की स्ट्रीम में कम अज कम चार बार मैं जुमला मत बोलिए, आप दिखाए कहाँ पे लिखा है नहा गए? आप करेंगे क्या? मैं दिखाने लगा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, मेरे भाई कोई परेशान ना हो, आगे स्क्रीन परेशान ना हो। उनका मतलब पृष्टी भाई, उनका मतलब ये है कि अगर वो रेफरेंस आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो समझ लिया, तो इसका आप क्या एक्शन क्या लेंगे कि सिर्फ देख के कहेंगे आज ये ठीक हो गया? ज़ुल्फ़िकार भाई, रेफरेंस दिखाइए, जी
दिखाने लगे हैं यार मेरे भाई, एक मिनट सो, रुक रुक कर शेयर जब हो जाए मेरे भाई। अब ये जो पिक्चर आप लगाए, ये क्यों, ये क्या कैमर धर्म ग्रंथ में है ये, कि एक पिक्चर? ये पिक्चर नहीं है मेरे भाई, ये देखें जरा, ये देखें अब ना इसको मैं आपको पूरा लेके जाता हूँ कि क्या है। ये पिक्चर नहीं है ये, मैं इसको आपको बिल्कुल स्टार्ट में ले, ये किताब है हनुमान जो, नहीं नहीं हनुमान जी का, सीता का जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं वो क्या है? अब मैं पहले आपको रेफरेंस दिखा लूं फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले आपको फोन में ना आया हुआ तो सीता जी का दिखा लूं कि नहीं देखना? जी दिखाए, नहीं दिखाए, दिखाए। आप पब्लिक को भी दिखाएं कि कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस हुई थी। अब देखें, जी जी दिखाइए दिखाइए। रेफरेंस नंबर वन स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त मौजूद है, सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 और श्लोक नंबर 3। ये देखिए, अक्रोध टोर द फ्लेश ऑफ हर ब्रेस्ट विद इट्स पीक। यहाँ पर लिखा हुआ कि उसने तोड़ डाला, फाड़ डाला। अब मैं आपको खून से नहाया हुआ भी दिखाता हूँ। ये नंबर वन हो गया जी। जी तोड़ डाला मतलब उसको, मतलब कुछ खरोच आया। सबर करो, खरोच आया। ओ मेरे भाई, ये देखो कमिंग नियर, ये देखो पांच नंबर में कमिंग नियर वंस मोर इन इट फोर्थ विद क्रूअली टोर हर ब्रेस्ट बाथ्ड इन ब्लड खून में नहा गई। दैट बिगन टू फ्लो फ्रॉम हर ब्रेस्ट, उनके जो ब्रश से खून निकल रहा था उस खून से वो नहा गई। यू वर अवेकेंड देन बाय हर, उस वक्त तुम जागे। राम जी से ये बात हो रही। हाँ जी जनाब, अब कोई पीड़ा दूर हुई, अब इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? वही कि टाइम वेस्ट करवाया कि आप कहेंगे कोई बात नहीं, खैर है। नहीं, मैं संस्कृत का पढ़ रहा हूँ। ततः पनुर्पगमयो विदधर भृशं पिलः तत्सत्त्वं यदा विभो तस्य शृणुयेत समुत्थितः। नहीं, यहाँ पे संस्कृत में नहीं लिखा है नहा गया, ये इंग्लिश में गलत लिखा है। उर्दू ट्रांसलेशन करिए ना, जो करे आपने। नहीं, उर्दू में मुझे मालूम नहीं है, मुझे हिंदी उसको लिखा है। हिंदी में कीजिए। हाँ जी, एक मिनट, ये ट्रांसलेशन जो आपके पास मौजूद है उसको किस इदारे ने ट्रांसलेट किया मेरे भाई? आपने किया, खुद ट्रांसलेट किया? नहीं, मैं संस्कृत का छात्र हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इंग्लिश में गलत लिखा है। अच्छा, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ। अच्छा, तो जी। आपने कितनी किताबों की, धर्मशास्त्रों की ट्रांसलेशन की है? नहीं, मैं ट्रांसलेशन नहीं किया हूं, मैं अभी स्टूडेंट संस्कृत संस्कृत पढ़ रहा हूं। देखिए ना जी, आप एक संस्कृत ज्ञाता, एक वेल नोन इदारा इंस्टीट्यूशन जो मौजूद है उसकी ट्रांसलेशन को चैलेंज कर रहे हैं और खुद कोई भी ट्रांसलेशन नहीं की, शर्म नहीं आती है आपको ये बात करते हुए? आपकी हैसियत क्या है? मैं संस्कृत नहीं जानता, रुक जाना, मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन एक इदारा जो मौजूद है उन्होंने ट्रांसलेशन की, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। आप कौन होते हैं कि किसी की ट्रांसलेशन को चैलेंज करें, अपनी कोई डिग्री शिग्री दिखाएं और कोई केस शेस यहाँ पर दायर करवाएं कि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, खून में ना गई, तो ये खुद ही इन्होंने लिख दिया अपने पास से, बनता नहीं था। आपकी अपनी हैसियत क्या है मेरे भाई? केस करें इन पे, गोरख वालों पे, इन्होंने गलत लिखा है। जी, जिनमें संस्कृत में मास्टर डिग्री कर रहा हूं, ये गलत लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है, हम उस पे एक्शन लेंगे, हम उस पे एक्शन लेंगे जी। देखिए सिपासिस भाई, आपने जो हमसे डिमांड की, हमने वो दिखा दिया, वो लिखा हुआ है। जी जी, मैंने सही किया, ठीक है। वो कम करें, वो जो चीज हम कह रहे थे हमने दिखा दी, अब उसके ऊपर बताइए, अब कौन सा सांप निकालना आपने निकाल दिया? आपको लगता था नहीं है, आपको लगता था नहीं है, हमने निकाल के दिखा दिया जो के था। देखें प्यारे भाई, आप बेशक पहली बार आए या पहली बार जो हमें सुन रहे हैं, हमारी आदत नहीं है, जो बात है हम वही करेंगे, और जो करेंगे ये आंखें बंद करके यकीन कर लो, आमिर भाई कर रहे हैं, लीना सिस्टर कर रही है, मैं, वो हम दिखाने की सलाहियत रखते हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज हम इस तरह की बात करते नहीं। ठीक है, आप जो दिखा रहे हैं वो अपने जगह सही है, वहां पे बहुत मिस इंटरप्रेट हुआ है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कोई बात नहीं। अगर लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, संस्कृत में जो उसका अर्थ आएगा वो दूसरा होगा, इंग्लिश में वो गलत लिखा है। अच्छा, क्या वहां पर स्थान नहीं लिखा हुआ? क्या स्थान फटे हैं? स्थान में आपके नजदीक कोई सनातन की प्रैक्टिस इतनी सख्त करे कि खून निकाल दे और बस ये कि पूरा जिस्म नहाए ना, तो फिर खैर है, जब पूरा जिस्म नहा जाएगा फिर टेंशन होगी आपको, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं? ये तो आप भी मान रहे हैं कि खून निकला है, तो आपने और क्या लेना? देख, वो एक वाक्या है, मैं ये कोई किसी, मैं भी सनातनी, मैं उसको सही नहीं मानता, ये गलत है,
और हम में इतना साहस है कि हम गलत को गलत बोल सकते हैं, ये गलत है। अगर क्या गलत है, क्या उसके गलत है? अगर गलत सीता जी ने गलत की है, राम जी ने गलत की है। नहीं, जो एक देखिए, कोई किसी का रेप करेगा वो रेप करने वाला गलत है। भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो हमारे भाग जाग गए कि अलीना सिस्टर के साथ माशाल्लाह आप आमिर भाई भी तशरीफ लाए जी। अहलन वसहलन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे अली, यकीन करें खाना खा रहा था और आंखें अश्क बार थी कि सीता जी जो हैं, सीता माता जी, उनको खून में नहला दिया गया। अली भाई, तो तमाम सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम बप्पी और जप्पी के साथ। अली भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो हाल चाल जुल्फकार भाई कैसे हैं? अली भाई, ये भाई कह रहे हैं संस्कृत के अंदर नहाने का कहीं भी जिक्र नहीं है, यही बोला भाई ने? हाँ, यही कह रहे हैं। पक्की बात है, इस पे भी तो नहीं फिरोगे? सिबासिस पुरुष्टि वो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कह रहे हैं वो संस्कृत में उन्होंने किया। पक्की बात है, नहीं फिरेंगे तो नहीं ना? नहीं, बस ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। बिल्कुल, आप निकालिए। पृष्टि भाई, आपने क्या कहा था, आप संस्कृत में क्या कर रहे हैं? मास्टर डिग्री कर रहा। वेरी गुड, मास्टर डिग्री कर रहे हैं जी, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक हो गया। लो जी, लाइक और शेयर करते रहिए, विषय जो है वो आगे आगे चलता जा रहा है। और हमारे साथ पृष्टि भाई जो हैं वो संस्कृत में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। कितना टाइम रह गया भाई पृष्टि भाई डिग्री में? जी हो गया, कंप्लीट हो गया। मां क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आगे क्या प्रोग्राम है आपका, कोई इसकी कोई ट्रांसलेशंस करेंगे, क्योंकि ज्ञानी बंदे हैं आप। नहीं नहीं, कल तो नौकरी पकड़े ढूंढेंगे। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वाल्मीकि संस्कृत भी, हिंदी भी, और इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर से भी मैं निकाल लूँ, ठीक है ना जी? जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बिल्कुल दीजिए, रेफरेंस निकालिए, संस्कृत जो है वो हम भी सुनना चाहेंगे जी, जो है कैसी जबान है। आमिर भाई बहुत प्यारा मंत्र बोलते हैं संस्कृत में सर, मजा ही अपना है। हाँ मजा, हाँ वो क्या गायत्री मंत्र जो पढ़िए, जरा थोड़ा सा शांत हो जाइए, पृष्टि भाई को भी सुनाइए। अच्छा जी, एक मिनट जरा रुकिएगा। तो बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। जी सर जी, कोशिश करेंगे कि कृष्णा, अच्छा जी, हरे कृष्णा सिस्टर आए। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक मिनट एक मिनट, अभी बात वहीं से शुरू होगी, संस्कृत से शुरू होगी। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, दूसरी बात नहीं, दूसरी होगी नहीं, बात अभी होगी। अभी तो टिप टिप बरसा पानी के ऊपर अभी बात होगी कि बात हुआ है कि नहीं हुआ, बात वहां से होगी, उसके अलावा अभी बात शुरू नहीं होगी। सही है, आप बात करेंगे, अगर कोई मैं बोल रहा हूँ, अगर सनातन में कोई गलत है, कोई चाह रहा है कि मैं इस्लाम, नहीं अभी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये अभी नहीं, ये नहीं होगा। अभी मुझे पता है आप कहेंगे कि अगर कुछ गलत है तो वो गलत हम कहेंगे उसे, वो मुझे पता है। मगर जो आपने अभी संस्कृत के अंदर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा चाह रहा हूँ कि डिस्कस किया जाए। अच्छा जी, भीग जाने के लिए, नहा जाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है संस्कृत के अंदर, जरा बताइएगा जी। जी, नहाने के लिए संस्कृत में भीग जाने के लिए भीग जाना, यानी इस, एक मिनट सुनना आपने, एक है नहाना, स्नान, स्नान की बात नहीं मैं कर रहा, नहाना, भीग जाना, जैसे बारिश में भीग जाते हैं, जैसे कीचड़ पड़े तो कपड़े भीग जाते हैं, जैसे को पानी उंडेल दे तो भीग जाते हैं, नहाना नहीं, भीग जाना। क्या शब्द यूज होता है उसके लिए संस्कृत में? स्नानम। बस स्नानम वर्ड यूज होता है जी। भीग जाने के लिए, दोबारा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भीग जाने के लिए संस्कृत में स्नानम यूज होता है जी। दिखाएं, डिक्शनरी से दिखाएं, ये भी दिखा दें
आप दिखाए ना, आप गलत बोल रहे तो नहीं, नहीं नहीं आप पहले दिखाए, मैं तो रेडी करके बैठा हुआ हूँ, मगर मैंने पहले आपकी संस्कृत को तो चेक करनी है ना, गलती आप निकाल रहे हैं संस्कृत की ना, आप कह रहे हैं कि वहां वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, तो आपने जो क्लेम किया ना कि ये वर्ड संस्कृत में यूज होता है स्नानम, भीग जाने के लिए बात, मतलब अब इंग्लिश में बात ही नहीं होनी, अब बात होनी है संस्कृत में, इंग्लिश को बात को भूल जाए, अब बात को भूल जाए, अली भाई ने मेरा भाई, मेरा भाई बात, अब बात को भूल जाए, अब होगा भीग जाना, अब बात को भूल जाए, चले चले ऐसा आसान कर लेते हैं, भी एक मिनट भीग जाना संस्कृत में लिखा हुआ है वहां पर, कहां पे संस्कृत जो श्लोक श्लोक लेके आए इधर अली भाई साहब ने, जो आपने लेके आए थे, मैं ले आता हूं, इन्होंने भी पढ़ा है, इन्होंने मैंने तो चार मैंने इस वक्त चार रेफरेंसेस खोल के रखे हुए हैं, इसीलिए मैं लैपटॉप से बैकग्राउंड के अंदर एंटर भी हो गया, ज़ुल्फ़िकार भाई आप तस्दीक कर दें, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, मैंने स्पेशल इनके लिए लैपटॉप ओपन किया, मैं खाना खा रहा था इस वक्त, यकीन करें आप जी जी, ये जो स्क्रीन पे आ गया है इसमें बताए हैं, हाँ इसको जरा जूम करें, आप संस्कृत आ जाए सामने जी, पांच पांच आप पढ़ के सुनाइए, आप इतना हाँ, ये मैं, आप ना 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 संस्कृत संस्कृत मास्टर्स मैं तो नहीं हूँ, मास्टर्स मैं तो नहीं हूँ, आप है मास्टर, कैसे मतलब, तो आप मुझे कैसे गलत कह रहे हैं, इसलिए गलत कह रहा हूँ कि आपको प्रमाण देना होगा, जब मैंने गलत तो कहा ही नहीं आपको, मैं तो कह रहा हूँ प्रमाण दे, आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे, आपको प्रमाण देना होगा, यहाँ इधर रुकिएगा जरा, रुकिएगा दो चीजें हैं, या तो आपको यहाँ शब्द दिखाना होगा कि शब्द कुछ और है यहाँ पर, जो नीचे ट्रांसलेट किया गया है वो ट्रांसलेट के साथ फिट नहीं बैठ रहा, मैंने आपको कहा भीग जाने के लिए संस्कृत के अंदर कौन सा शब्द का उपयोग होता है, आपने कहा स्नानम, मैंने कहा वही दिखा दें, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अभी पब्लिक में लाइव टेस्ट हो जाएगा, मुझे ये बताएं यहाँ इस पांचवें श्लोक के अंदर कोई ऐसा शब्द संस्कृत का लिखा हुआ है जिसका अर्थ निकलता है भीग जाना, वो जो सेकंड लाइन का जो मतलब थर्ड वर्ड है उसका मतलब सोनी तेना, मतलब भीग जाना, सोनी तेना का क्या मतलब है जी, बह गया, कौन बह गया, शोनी तेना का मतलब है बह गया जी, ये भी दिखा दे, दिखाएं सब तो शोनी तेना का मतलब होता है बह जाना, आपको कुछ नहीं मालूम, मैं आपको दिखाऊं क्यों, आप बताइए, आपको आपको इतना मालूम है तो आप बताइए क्या लिखा है, बताइए शोनी क्लेम आप कर रहे हैं, जब मैं क्लेम करूंगा ना किस शब्द का क्या है, सारा डिक्शनरी शेयर करूंगा, अरे आप शेयर करिए, शोनी तेना का मतलब बता रहे हैं भीग जाना, अच्छा मजे की बात ये है खुद ही बोल रहे हैं वही बात जो अली भाई कर रहे थे, मगर शब्द गलत पकड़ रहे हैं, शोनी तेना का मतलब बता रहे हैं भीग जाना, जबकि शोनी तेना का मतलब होता है उसका रक्त, उसका खून, द ब्लड ऑफ सीता, शोनी तेना उसका खून, उसका तर्जमा कर रहे हैं भीग गया, अब भी आपको मौका दे रहा हूं PhD इन संस्कृत सर प्लीज, मैं खाना छोड़ के आपके लिए स्पेशल आया हूं, क्योंकि मैं भी संस्कृत का छोटा सा स्टूडेंट हूं, पढ़ रहा हूं, तो मैंने देखा ये हमारे गुरुजी के विरुद्ध, ऋषि पतंजलि के और ऋषि यास्का जी के विरुद्ध कौन जा रहा है यहाँ पर, कोई नया निरुक्तकार आ गया है, कोई नया व्याकरण का गुरु आ गया है, कोई नए नियम व्यवस्था आ गए हैं जो हमने नहीं पढ़े पहले, तो प्लीज सर यहाँ जरा सिद्ध कीजिए, मुझे बताइए यहाँ पर भीग जाने के लिए कोई संस्कृत शब्द यूज हुआ है, आप बताइए कौन सा है, वहां पे क्या लिखा है आप बताइए, इसका मतलब आपको नहीं पता, आप तो ये कह रहे हैं आपको नहीं पता, नहीं मुझे तो पता है, आप बताइए, आप आपको पता है, बताएं आप तो दुनिया को दिखा रहे हैं, आप बताइए, ओ भाई पता है तो बताएं, डिग्री आपने ली है, मैंने तो नहीं ली डिग्री, अरे मैं तो दिखा दूंगा, अच्छा आप ये बोल दें आपको नहीं पता, आप ये बोल दें तो मैं दिखाता हूँ, चलें ये भी कर लेते हैं, ठीक है मैंने, आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए, आपको नहीं पता, नहीं पता, आप बताइए, इसका मतलब है जो डिग्री आप ले रहे थे वो आपने झूठ बोला पब्लिक के सामने भ्रमवादी करने के लिए, क्यों, जिसको मालूम होगा उसको बताऊंगा तो वो समझेगा, आपको कुछ अच्छा, मालूम नहीं, अच्छा समझेगा, आप प्रूव कर दें
ये शोन तेना का मतलब प्रूव करने के इसका मतलब होता है भीग जाना। आप अब मैं तो बताया ना, मैं आपको बता, आप चेक कीजिए डिक्शनरी चेक कीजिए। मैंने चेक किया है तो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ कहाँ दिखाइए, कहाँ मैंने काम गलत लिखा है। हाँ पक्की बात है, दिखा दूं जी। जी चले जी, पहली बात यह है कि ये गलत है, मैं आपको दिखा देता हूँ संस्कृत डिक्शनरी से, ठीक है जी। ये कहाँ गलत है, शौन तेना का अर्थ क्या निकलता है संस्कृत के अंदर, ये भी आपको दिखाते हैं, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी, इसी तरीके से ये देखें जी, सोने देना, हाँ सोने देना, सोने ना देना। अच्छा, सोने इसी देना। तरीके से ये वर्ड है जिस वर्ड का मतलब होता है भीग जाना, नहा जाना, उसमें डंप हो जाना, सोक कर जाना, यानी भीग जाना अपने खून के अंदर, उस शब्द का भी मैं आपको अर्थ दिखा देता हूँ डिक्शनरी से, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये जी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपने इसमें जिस शब्द को गौर करना है, पहले मैं शोन तेना का दिखा देता हूं। ये जी स्क्रीन पे मेरी ये आ गया जी, ये देखे जी, संस्कृत की ये शब्दकोश है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये वर्ड देखें, सोने तेना वर्ड है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहां पर ये देखें, ब्लड, खून, रेड कलर, यानी खून को भी क्योंकि रेड होता है तो उसको, खून को शोने बोलते हैं, शोने तेना यानी उसका रक्त, ड्रिंकिंग ब्लड, बीइंग ब्लड, हैविंग ब्लड शॉर्ट आई, टोरेंट ऑफ ब्लड, ब्लड, ब्लडी पोस्टल्स, ब्लड, ब्लडी ट्यूमर, ठीक है, डिस्चार्जिंग यूरिन, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, यानी मुख्तलिफ उसके आगे सिनोनिम्स हैं, या आप ये कह सकते हैं उससे रिलेटिव वर्ड्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। तो शोन तेना का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता भीग जाना। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड है, अब भाई चुप कर जाए पीएचडी साहब, आप गलत हैं, आपने अपने मुंह से मांगा है, अब सीखे मुझसे, डिग्री मैं मेरे से लेके दिखा रहा है, आप समझ नहीं रहे। हाँ मैं समझाता हूँ, डिग्री मुझसे अब आपने लेनी है। रक्तक बोलते हैं जो ब्लड, जी जी जी, ब्लड, वो तो ब्लड बहना, दोनों का मिला। अब आप जी जी, अब आपके अंदर का ऋषि पतंजलि जागेंगे, जरा रुक जाएं, अब मुझे पता है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये जो ओरिजिनल वर्ड था, भीग जाना, नहा जाना या नुचड़ जाना, नुचड़ जाना, याद रखें, नहाना, स्नान लेना, इसके लिए शब्द और होता है, मगर भीग जाने के लिए, जब कोई खून में भीग जाता है इंग्लिश में, उसके लिए बाथ इस्तेमाल करते हैं, और भी कई वर्ड हैं। ये वर्ड जो मैं दोबारा श्लोक अली भाई के सामने ले आऊं, ये जो स्क्रीन शेयर हुई है, इसमें आप ये जो पांचवा श्लोक है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका आखिरी वर्ड है समुक्षीता। ये जो वर्ड है समुक्षीता, ये पांचवें श्लोक का आखिरी संस्कृत वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग होता है भीग जाना। अब ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये देखें संस्कृत का समुक्षितः, ये वर्ड आप देख लें, स्प्रिंकल्ड, पोर्ड आउट, इंक्रीज्ड, एफ्यूज्ड, एनकरेज्ड, स्ट्रेंथन्ड। अब इसमें जब पानी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कोई फ्लूइड है जैसे रक्त है, जल है, और इसी तरीके से कोई अमृत है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब समुक्षितः वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है स्प्रिंकल्ड या पोर्ड आउट, का मतलब यह है कि इतना निकला कि जैसे बह गया और उससे भीग जाए आदमी, ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक ये रेफरेंस है ओरिजिनल संस्कृत का, स्प्रिंकल्ड मतलब छोटा बहना, कहां पे लिखा है नहा। अब आपको एक और रेफरेंस देते हैं जनाब, अब आपको एक और वर्ड दिखा देते हैं, गीता प्रेस का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखा देते हैं, अली भाई ने दिखाया था इंग्लिश की ट्रांसलेशन, गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी ट्रांसलेशन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, सुंदरकांड सर्ग नंबर है 67वां, यानी 67, श्लोक बन जाएगा 55, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें जी,
कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी स्तन पर, ठीक है ना, तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। भीग जाने के कारण समुक्षितः शौंते न समुक्षितः, कोई बहेगा तो भीगेगा ना, सॉरी वो बहेगा, ये सॉरी वो मैं जब संस्कृत पढ़ता हूँ तो मेरा निकल जाता है जी। अली भाई ओवर टू यू जी, मैं सिर्फ ये भाई की बात छोड़ के मैंने कहा साथ हाजिरी भी लगा लूं, गपशप भी कर लूं, तो ये चीज है जी। अली भाई अब आपके सामने है, ये पीएचडी स्कॉलर ऋषि पतंजलि और ऋषि यास्का जी के जो स्टूडेंट थे संस्कृत के एम मास्टर्स होल्डर, उन्होंने तो जनाब शौंतेना के अंदर से जो है ना वो भगा दिया था जी। हाँ जी, और वो जो वर्ड बता रहे थे भीगने के लिए वो था ही नहीं उधर जो इन्होंने मेंशन किया, बड़े अफसोस की बात है। कहाँ पे जी, मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे लिखा है नहाना, कहाँ पे लिखा है नहाना, ब्लड ब्लड से नहा के कहाँ पे लिखा है, पूरी गुफ्तगू हो चुकी है। वैसे कोई सनातनी होने का मतलब ये भी होता है कि इल्मी लिहाज से गैरत को छोड़ देना है और तस्लीम ही नहीं करना। आपने जो वर्ड वहां पर इससे पिछला वर्ड जो बताया कि भीग जाने के लिए ये वर्ड है वो तो था ही नहीं, तो थोड़ी सी तो शर्म होती है कि पब्लिक के सामने इतना टाइम दिया आपको, कम से कम बंदा कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं मैं माजरत चाहता हूं। हेलो, एक सच्चा इंसान ये कह रहा है तो आपके अंदर वो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? जी, जी जी, कोई गैरत नहीं है? नहीं नहीं, मेरे बात तो सुनिए, कहाँ पे आपने लिखा था ब्लड बाद ब्लड में नहा गया, कहाँ पे वो दिखा है नहा गए, वो स्प्रिंकल मतलब कुछ बहुत निकल गया, हिंदी में भी आपको दिखा नहीं, दिया नहीं, वो गलत दिखा है, कुछ सही नहीं दिखा है, कुछ गलत दिखा है। आपसे बड़े ट्रांसलेटर हैं, देखें आपसे बड़े जो ट्रांसलेटर जनरेट करके उसको बोल रहे हैं और कोई है कुछ नहीं, आपने किसी किताब को ट्रांसलेट भाई ऐसा, ये सॉरी मैं साथ खाना खा रहा हूँ, ऐसा ये हमारा भाई जो है प्रुस्ती, इतना ये भाई हमारा सादा है, कह रहा आप एग्जैजुरेट कर रहे हैं। अली भाई जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाई है ये आपने लिखी है? नहीं मैंने नहीं, मैं तो भाई बोला तो ये क्या हमारे ऊपर क्या ये आरोप लगा रहा है ये बंदा, इसको कॉमन सेंस नहीं है कि ट्रांसलेशन आपने दिखाई है गीता प्रेस गोरखपुर की, चलो संस्कृत नहीं मानते ना मान लो, आप ठीक है सुनिए, भीग जाना हमने दिखाया गीता प्रेस गोरखपुर हिंदी की ट्रांसलेशन है, संस्कृत के शब्द बता रहे हैं कि फूट पड़ना निकल पड़ना पूरे जिस्म पर पोल्ड आउट बह जाना भीग जाना फिर इंक्रीज हो जाना, ये सारी चीजें वहां पर रक्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बयान की जा रही हैं। वो बंदा हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है यार, मैं हैरान हूँ प्रुस्ती भाई यार, आप धन्य हो भाई, धन्य हो भाई, धन्य हो भाई। अमीर भाई सुनिए, आपने अमीर अली भाई ने जो भी बोल रहे थे कि नहा वो ना ब्लड में नहा गए, वो तो वो नहीं सब आप प्रूव कर पाए, वहां पे लिखा है स्प्रिंकल, भाई प्रूव नहा ओ भाई भाई मेरी बात सुनो, अफसोस की बात ये है आमिर भाई। अच्छा ये पता क्या चाहते हैं, सॉरी 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 अली भाई सॉरी, एक जुमला सर अली भाई मैं चाहता हूँ, ये पता क्या चाह रहे हैं अली भाई, ये चाह रहे हैं कि आप ना संस्कृत के अंदर से शब्द दिखाएं कि टैंकी भर के ना खून की तो सीता जी उसमें नहाई थी, ये चाह रहे हैं। जब ये याद रखें वाल्मीकि रामायण जो है ये लिटरेचर के स्टाइल में इस एतबार से लिखी है कि जब एक आदमी का ढेर से खून बहता है, अली भाई खून बहकर राम जी उठ पड़े थे, थोड़ा खून बहा होगा कि एक बंदा उठ पड़े, उठ पड़े आगे शब्द है जी। अरे किसी को कष्ट हो, सुनिए ना, किसी को कष्ट होगा सुनिए ना भाई, सुन ले आप सुन सुने ना सुने ना प्लीज प्लीज सुनिए, खून थोड़ा निकला या ज्यादा निकला आपको इस बात में इतना इंटरेस्ट पड़ गया है, वहां पर सीता जी के ब्रस्ट पेजर पे हमला हो गया है, वहां पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, गैरत का तकाजा तो ये था, आप ये कहते हैं इसका मतलब है कि कोई आपकी पत्नी के साथ आके ऐसा करे, जब तक उसका खून निकल के वो खून में ना आएगी नहीं तब तक आप नहीं मानोगे कि इसके साथ की प्रैक्टिस हुई है, तब तक आप नहीं मानेंगे, बड़े अफसोस की बात है, उसको छेड़ना उसको हाथ लगाना खून निकलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी इज्जत को ताला डाला गया, हाथ डाला गया, हमारा क्वेश्चन वो था, आप उस सवाल को उस बात को पी गए, अब तक आप उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, मुझे बताएं कि ये अच्छी बात है कि एक देवी अपनी हिफाजत अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी, उसका पति उसकी गोद में लेटा हुआ और उसकी इज्जत लूट रही थी और वो उसको बचा ना सका, और ऐसों को आप पूछते हो और क्या शिक्षा दोगे अपनी पत्नियों को अपनी बहनों को अपनी बेटियों को कि कभी ऐसा वाकया हो तो वो चुप कर जाएं और करवा लें सनातन की प्रैक्टिस, ये पैगाम देंगे आप? सवाल तो आपसे ये था, आप उसके बाद वो राम जी का रिएक्शन क्या है वो बताइए, राम जी को क्रोध आया कि नहीं, उसको तो वो मतलब
मतलब उसको मतलब मृत्यु देने के लिए वो बहुत बाण चला दिए थे, उसने माफी मांगी, बाण चला दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर नहीं, देवताओं ने माफी मांगी, उसने खुद आके माफी मांगी। उसने आके माफी मांगी और राम जी ने उसको माफ कर दिया। और ये बात जो है मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी बता चुका हूँ और आपको भी पहले बता चुका हूँ और कई लोगों को बता चुका हूँ कि इस चीज को हमने छुपाया नहीं है। मसला ये है कि ये जो घटना घटी है, जो इज्जत लुटी है, और सीता जी जो खामोश रही हैं, उनको चाहिए नहीं था कि अपनी इज्जत की रक्षा करती, खुद नहीं कर पा रही थी तो राम जी को उठा लेती। बात यहां पर है, और आगे भी जाके कोई तीर नहीं मार लिया, आगे भी जाके तो उसको माफ कर दिए। ये बड़ा कारनामा है, ये काम तो शिव जी ने भी किया था, जब उनकी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी ने ये काम किया, माफ तो उन्होंने भी कर दिया था। ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले किसी और की पत्नी के साथ छेड़खानी करें, बाद में माफी मांग लें, और आपके सनातन के यहाँ फिर ये परंपरा आपके भगवानों की है कि उसको माफ करें। आप किस चीज को कहाँ ले जा रहे हैं, सुने ना, आप किस चीज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। आप एक ही मतलब टॉपिक में ले रही है ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं। अब ये बात हुई, बहुत गलत बात हुआ, राम जी को क्रोध आया, राम जी ने उस पर सजा दी, उसने माफी मांगी, बस सीता जी ने उनको माफ कर दिया, ठीक है जी। और क्या उसको क्या मतलब चले मान लें, इस चीज को मान लें, राम जी की और सीता जी की इस बात को आप मानते हैं स्टैंडर्ड, एक तराजू मानते हैं कि अगर कोई ऐसा वाकया पेश आए तो यही हरकत करनी चाहिए। यानी कि आप अपनी बेटी से कहेंगे कि अगर कुछ नाथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे साथ आ जाए, नीचे से हो या ऊपर से करवा लेना, और जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो उसको और वो माफी मांग ले तो माफ कर देना। ये स्टैंडर्ड तय कर ले नाथनियों के लिए। अगर कोई देखिए कोई रास्ते पे जा रहा है, कोई आपकी बहन के साथ गलत हरकत कर दिए, तो क्या आप उसको जान से मार देंगे। अगर वो आपको माफी मांगेगी, आप कानून के हिसाब से काम करेंगे। अगर वो माफ कर देता है, उस माफी के लायक है। सीता जी और एक आम औरत के अंदर कोई फर्क है कि नहीं है जी? वो फर्क है। कितना फर्क है? वो एक पति के लिए पत्नी का जितना है, उस उनके लिए राम के लिए सीता उतना ही है। आप पति और पत्नी की मिसाल दे रहे हैं, एक आम औरत भी तो पत्नी हो सकती है, आपकी पत्नी भी तो पत्नी है ना। सीता जी की एक आम औरत है। अच्छा, एक आम औरत है, देवी नहीं है। हम उसको देवी मानते हैं, लेकिन वो आम और हम लोग अपने पापा मामा को, बाप मामा को भी हम देवी बेटा मानते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, उनको भी देवी मानते हैं, ठीक है। तो ये देवी ने जो हरकत की, जिसको हम जिसको सम्मान करते हैं उसको देवी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। आप देवी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन एक आम औरत थी और उन्होंने सनातन की प्रैक्टिस करवाई और उसके ऊपर खामोशी त्यागी। एक आम औरत भी देवी हो सकता है। ठीक है, आपका पक्ष आ गया। तो सीता जी ने एक और स्टैंडर्ड तय किया है, वो मैं जानना चाहूंगा कि आप उससे किस हद तक सहमत हैं। सीता जी ने एक स्टैंडर्ड तय किया है कि कौन सी औरत विधवा होगी और कौन सी औरत विधवा नहीं होगी, और ये युद्ध कांड के सर्ग नंबर 48 के अंदर मौजूद है। तो आपकी पत्नी है? जी, माशाल्लाह है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह है, ठीक है। तो ये बताइए कि वो विधवा होगी कि नहीं? अगर मैं मर जाऊंगा तो वो विधवा हो जाएगी? नहीं, यहाँ जवाब होना चाहिए था इंशाल्लाह होगी। बिल्कुल। अच्छा, जो तरीका बताया, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप तो अगर मगर की बात कर रहे हैं, सीता जी ने एक बड़ा तरीका बताया। अगर वो आप, मैं कुछ प्रश्न करूंगा, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं बता सकता हूँ सीता जी के अनुसार, आपके वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कि आपकी पत्नी पहले मरेगी या आप पहले मरेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ज्ञान की बात, कि आप चाहेंगे कि मैं बता दूं? देखिए, किसी के जीवन और मृत्यु के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। अगर मैं पहले मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी जी। सीता जी ने निशानी बताई है, सीता जी बताइए बताइए निशानी बताई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे कहें तो मैं बता सकता हूँ सीता जी के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार, आपके धर्मशास्त्रों के अनुसार, मैं बता सकता हूँ कि आप दोनों में से पहले मृत्यु किसकी होगी। आप जानना चाहेंगे? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी, बताइए। हाँ, लेकिन अब कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपने उनके मुझे जवाब देने, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो पत्नी है उनकी आईब्रोज आपस में जुड़ी हुई है कि नहीं? नहीं है। ठीक हो गया। उनकी जो ये टांगे हैं, उनके ऊपर बाल हैं कि कोई नहीं? देखिए, मैं आपकी बीबी का पूरा मतलब ये आपके ऊपर डिस्क्राइब करूँ क्या?
आपकी किताब के अंदर लिखा है, तो आप जब मुझे वो सारी चीजें बताएंगे उसके बाद मैं बता दूंगा कि पहले किसने मरना। अरे भाई आईब्रो से सीधा टांगों पे बीच वाला रास्ता भी कवर करें। वो भी करता हूँ आमिर भाई कि बाल नरम कहाँ से है। तो आपने देखे पब्लिक के सामने आपने कहा है कि मैं आपको मैंने आपसे इजाजत ली, हम लोग पे करते सब पति आपके पत्नी ने करती है, मैंने आपसे इजाजत ली है कि मैं जो भी सवाल पूछूंगा आप जवाब देंगे। अब आए भाई शायना करें, अगर मैं आपकी किताब में से ये ना दिखा सका आपके धर्मशास्त्रों से, तो फिर मुझे कहिएगा कि आप गलत कह रहे हैं। जब सीता जी बता सकती हैं अपनी टांगों के बालों के बारे में, अपनी जांघों के बारे में, अपने ब्रेस्ट अपने हिप्स के बारे में, तो आपकी पत्नी के पत्नी को क्या मसला है? और आप कह भी रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं, तो सीता जी ने तरीका बताएं बालों के ऊपर टांग है या नहीं है, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे लिखा है दिखाइए, उसके बाद बात कीजिए। देखिए अगर मैं दिखाऊंगा पब्लिक के सामने वादा करेंगे कि जब अगर ये एक चीज मैं दिखा दूं आप, तो उसके बाद सारी डिटेल्स जो मैं आपसे पूछूंगा आप बताएंगे। जो नहीं मानेंगे अली भाई, अली भाई मुझे लग रहा है मैं गलत मानूंगा। अली भाई मुझे लग रहा है रुस्ती भाई से जितनी मैंने अभी तक बात की है ना, मुझे लग रहा है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस अली भाई दिखा देना तो ये मान जाएंगे। मेरा दिल नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि ये भागे नहीं, उसके बाद जो मैंने सवाल पूछने है ना ये मैं रेफरेंस दिखाऊंगा जो अभी जितनी सी बात हुई वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मैं सवाल पूछूंगा ये जवाब देंगे, फिर ये जवाब देंगे आप भाई ये भागे ना। फिर नहीं पुष्टि भाई बताइए, पुष्टि भाई हमारे साथ रहेंगे, कोई बात नहीं वो साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, असल में हाँ अली भाई ये है कि वो चूंकि संस्कृत के एक्सपर्ट है ना, तो उनको विश्वास है मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं सही आपको बताऊं, जब आपने वो रेफरेंस दिखाए थे ना तो पुरुस्ती भाई एक बार हिल गए। मैं सुन रहा था खाना खाते हुए, तो मुझे भी एक बार लगा कि यार पुरुस्ती भाई, यानी मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हुई है जब आपने वो रक्त में भीग जाने वाला हवाला दिखाया ना पुरुस्ती भाई को। अरे आमिर भाई आप पहले जजमेंटल हो रहे हैं। मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, आप अली भाई बोले नहाने आपको स्प्रिंकल दिखाया, मैं आपके पक्ष की स्प्रिंकल भाई रुस्ती भाई मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, जजमेंटल थोड़ी ना हो रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप मानेंगे अगर चीज होगी, मानने वाले मुझे लगे अभी तक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, क्या हो गया? सनातन का हर बंदा गलत को गलत कहेगा, हाँ बिल्कुल सनातन का हर बंदा गलत को गलत कहेगा। राम जी ने नहीं कहा था जी, जी सबने कहा था जी, नहीं नहीं सर, सनातन का हर बंदा गलत को गलत कहता होता तो आज ये पुस्तकें आज ये शास्त्र ना छप रहे होते। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इन पुस्तकों इन शास्त्रों का आज भी छपना, गीता प्रेस गोरखपुर के शेयर्स राम मंदिर के उद्घाटन और इनॉग्रेशन के बाद यूं बूम हुए हैं, गीता प्रेस वाल्मीकि रामायण के और रामचरितमानस तुलसीदास जी की, ऐसे ऊपर गए हैं शेयर, पहले को मुंह नहीं लगा रहा था ऐसे ही। तो अगर ये पुस्तकें गलत हैं, आप कह रहे हैं सनातन गलत कहेगा, तो छप कैसे रही है और इनकी बढ़ोतरी कैसे हो गई है इनके व्यापार में? अच्छा प्यारे भाई ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त युद्ध कांड का सर्ग नंबर 48 है और इसका श्लोक नंबर 9 है। यहाँ पर सीता जी फरमाती हैं, माई लॉक्स आर फाइन ऑफ इवन लेंथ एंड डार्क, माई आईब्रोज आर नॉट ज्वाइंट, ने माई शेंक्स आर राउंड एंड हेयरलेस। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी टांगें जांघें जो हैं उनके ऊपर बाल नहीं, एंड माई टीथ आर क्लोजली सेट। इसलिए मैं वो निशानियां पूछ रहा हूँ कि जो एक विधवा के अंदर होती हैं और जो विधवा नहीं होगी उसके अंदर होती हैं, ये सीता जी ने तरीकाकार बताया। तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर, माई शैंक्स आर राउंड एंड हेयरलेस एंड माई टीथ आर क्लोजली सेट। हाँ जी अब बताइए, क्योंकि आपने पब्लिक के सामने कहा था कि अगर मैं ये दिखा दूंगा तो उसके बाद जो सवाल मैं पूछूंगा वो आप बताते चले जाएंगे, बताएंगे नहीं? ये इसमें आप विधवा कहाँ से ला रहे हैं? वो मैं बताता हूँ ना कहाँ से ला रहा हूँ, वो भी लाता हूँ। बालों वाली जो बात है ये मैं दिखाऊं तो ये मैंने अब दिखा दी है, विधवा वाली भी दिखा देता हूँ, लेकिन अब मेरे सवाल है कुछ, क्योंकि मैंने अब देखे पब्लिक के सामने मैं कह बैठा हूँ तो, और आपने भी वादा किया है कि मैं जो सवाल पूछूंगा आप बताएंगे ताकि मैं बता सकूं कि पहले आपकी मृत्यु होगी या आपकी मिसेस की। पूछूं आगे?
नहीं ये ये आप जो अभी दिखा है ये नहीं ये आप जो दिखा रहे थे क्या इसका मतलब क्या है बताइए। मतलब मैं बताता हूँ ना, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पत्नी विधवा होगी या नहीं। सीता जी ने अपने बारे में एक बात कही थी, उसमें उन्होंने निशानियां बताई थी। अब बताइए कि आपकी पत्नी की टांगे गोल है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी जो दिखा रहे थे उसके बारे में बोलना चाहते हैं या मतलब कुछ दूसरा टॉपिक बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं किसके बारे में बात करना चाहते हैं? असल में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी पत्नी विधवा होगी या नहीं सीता जी के। आप जब दिखा रहे थे क्या दिखा रहे थे? चले ठीक है मैं मुख्तसर रख देता हूँ, इसके ऊपर इतनी सी प्रैक्टिस जरूरी थी। जब धर्मशास्त्रों को धर्मशास्त्र होते इसीलिए कि अपनी जिंदगियों में उसको अप्लाई किया जाए। अफसोस सद अफसोस के देखिए कि हमारे भाई को पसीने छूट गए लेकिन वो अब बता नहीं रहे कि बीवी कुछ पसीने नहीं छूटे हैं फिर अंडरमेंटल हो रहे हैं ऊपर बाल हैं या नहीं है ये धर्मशास्त्र है। डीट है अली भाई नहीं पसीना नहीं छूटा। अच्छा, ये मैं गारंटी देता हूँ डीट है। चलो फिर मैं बात करता हूँ, मैंने ऐसे छोड़ दिया। अच्छा पहले भाई अब बताइए वो आपकी पत्नी की टांगे गोल है कि नहीं, उनकी पिंडलियां जो नीचे वाला भाग है ना। नहीं नहीं मेरे पत्नी की छोड़िए, ये जो आप दिखा रहे थे उसमें क्या लिखा है, किस किसके बारे में लिखा है? अच्छा चौड़ी है आपकी पत्नी की पिंडलियां चौड़ी है, ठीक हो गया। उनके ऊपर बाल है कि नहीं है? अरे मैं क्या बोल रहा, किसके बारे में लिखा है वहाँ पे? वहां पर तो आपकी माता सीता जी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपकी पत्नी के बारे में कौन, कौन, वो कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? सीता जी बोल रही हैं, खुद बोल रही हैं अपने बारे में। अली भाई बोलने से, अली भाई बोलने से फर्क पड़ जाता है जी पब्लिक में। अरे सीता जी खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, आप यही बोलना चाहते है ना? सीता जी अपने बारे में बोल के निशानियां बता रही है कि वो क्यों विधवा नहीं हो सकती, उन्होंने उनके अंदर ये निशानियां बताई हैं। मैं अब आपसे भी यही बात थी कि आपको मैं बताता हूँ आपकी पत्नी विधवा होगी या नहीं, तो आपने कहा था कि अगर मुझे आपने दिखा दिया कि पिंडली के ऊपर बालों वाली बात लिखी हुई है कि बाल नहीं होंगे, तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे और मैं एंड पे नतीजा निकालूंगा कि आपकी पत्नी विधवा होगी या नहीं। और आपने पब्लिक में कहा था कि आप जवाब नहीं देंगे, मैंने आपके लिए टाइम निकाला और अगर आप नहीं बताना चाहते, लेकिन आपने फिर बता दिया कि आपकी पत्नी की पिंडलियां गोल नहीं है चौड़ी है। अच्छा ये भी बता दें साथ लगते कि बाल है पिंडलियों के ऊपर कि नहीं है? मैं कुछ नहीं बोला, आप क्यों अपने मेरे अपने वर्ड्स अपने माउथ में डाल रहे हैं? आपने खुद बोला था आप जब दिखा, आप जब अभी दिखा है वो क्या दिखा है कि कौन उसी तरह बताइए कहां लिखा है। चले एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें, मैं तमाम की तमाम बात अपना पक्ष रख देता हूँ। देखे जी जी पूरी मेरे स्त्रीकाकार से बाद लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि धर्मशास्त्र बंदा जब धर्म को अपनाता है तो उस पे अमल करने के लिए अपना। अगर धर्मशास्त्रों में भी आपको फिर शर्म आती है कि आप उसको अपने घर पे अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये है कि जिना के करीब भी नहीं जाना और शादी जो है वो करनी है लड़की ने भी और लड़के ने भी बालिग होने पर। मुझसे कोई कहे कि क्या आप अपनी बेटी जब बालिग हो जाएगी तो शादी करेंगे या नहीं, तो मेरा जवाब है हाँ बिल्कुल करूंगा। और इसी तरह मेरे भाई के बारे में पूछे मैं कहूंगा बिल्कुल करूंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पर्सनल हो रहे हैं, भाई मजहब है ही पर्सनल है ना, मैंने अपने लिए उसको चुना है, एक जिंदगी का तरीका कार है, उसको मैं ऑन करता हूं, तो मैं बाद में कहूँ ये पर्सनल हो रहे हो तुम, तो इसलिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपके सामने ये धर्मशास्त्र है और हमारे भाई के पसीने छूटे हुए हैं कि वो ये चीजें नहीं बता सकता, हालांकि इनकी पत्नी की अहमियत सीता जी की जितनी नहीं है। सीता जी का जो स्थान जो मुकाम सनातन धर्म के अंदर है इनकी पत्नी का नहीं है, सारे सनातनी सीता जी की पूजा करते हैं, इनकी पत्नी की नहीं करते। सारे बातें आप सुनिए ना, अब नहीं मैंने सुननी नहीं, अब आपसे जितनी बात मैंने करनी थी वो मैंने कर ली। क्लियर तो कीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं, वो जो लिखा है कहाँ पे, विधवा के बारे में कहाँ लिखा है? मेरे भाई रुक जाओ, मैं पब्लिक को यही तो बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लियर ही कर रहा हूँ। अरे आप जो भी बताए रेफरेंस के साथ बताइए। रेफरेंस के साथ ही तो बता रहा हूँ, रेफरेंस तो मैंने पहले दे दिया आपके सामने, युद्ध कांड सर्ग नंबर हाँ जी वो जो लिखा था वहाँ पे अली भाई कहाँ लिखा है? अली भाई आप बात मुकम्मल करें, और पुरुष्ती भाई जो हैं वो इस वक्त सुनने के मूड में नहीं लग रहे मुझे, आप मुकम्मल करें बात। मैंने दोबारा रेफरेंस बता दिया आपको कि जो जानना चाहे यहाँ से जाके ये पूरा चैप्टर पढ़े, मैं बार बार इसको दिखा चुका हूँ पुरुष्ती भाई के लिए हमने दोबारा से दिखाया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी बीवी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इनको शर्म आ रही है कि इसको बयान करें और अपनी बीवी के अंग अंग के बारे में जिक्र करें। यहाँ पर सीता जी खुद अपने बारे में बता रही हैं कि उनका बाल कहाँ से खुरदरे थे, कहाँ से नरम थे, कहाँ पर नहीं थे,
उनके अस्थन कितने बड़े थे, उनके ऊपर चूचियां दबी हुई थी, उनकी नाभ घुसी हुई थी, उनकी टांगे हाथी के सूंड के जैसे थी, उनके नाखून गोल थे, उनके हिप्स चौड़े थे। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सीता जी खुद बता रही, और ये सारी चीजें बता के ये कह रही हैं कि क्योंकि मेरे अंदर ये गुण मौजूद है और मुझे ब्राह्मणों ने बताया है, मुझे जिस्म के निशानात देख के बताने वालों ने बताया है, यानी कि वो बता रही हैं ये सारे निशानात उन्होंने दिखाए हैं ब्राह्मणों को, उन्होंने बताया है कि मैं विधवा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भाई से ये पूछ रहा था। तो मुझे बताएं कि इस तरीके से आप अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते, तो अपनी माता सीता जी का इंट्रोडक्शन आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया, और ये कैसे आपके धर्मशास्त्रों में आ गया, और अगर आ गया है तो इसको अपने घर के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताना चाहते? कम से कम अब जाके ये निशानियां चेक करके आप फैसला कर लीजिएगा कि पहले किसकी मृत्यु होनी है। अब मैंने तो आपके सामने सारी चीजें रखी थी, हिप्स मोटे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये अली भाई, सॉरी जी अली भाई, मैं सोच रहा था अभी, मैं बस खाना फिनिश किया था, आपकी बात सुन रहा था, आपने पहले भी एक बार इस पर बात की थी कि जो वेद वेत्ता थे और ये शरीर के जो चिन्ह स्टडी किया करते थे, जो ये क्या से साइन हो तो क्या, मुझे पता क्या चीज समझ आती है अली भाई, देखिए इन्होंने जो ब्राह्मण थे उस वक्त के वेत्ता थे, एक्सपर्ट थे इस सब्जेक्ट के, उन्होंने देखे टेक्निक कैसे लगाई लड़की के ना गुप्त अंगों को देख, ये इससे पता चलता है उस वक्त के ब्राह्मण समाज की मेंटालिटी क्या थी। अब देखें उन्होंने उन्होंने पता क्या मशहूर किया, उन्होंने मशहूर किया कि इस चीज के एक्सपर्ट आपको बता देंगे कि लड़की विधवा होगी विषय के अंदर के नहीं। अब औरतों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है इन इन इस प्रकार के विषयों के बारे में ना खोजने की, ये जो गुप्त किस्म के विषय होते हैं इनके बारे में खोजना, वो बड़ी उत्सुक होती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी संतान कितनी होगी, पुत्र पुत्रियां कितने होंगे, अच्छा इसी तरीके से मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरा पति दिखने में, यानी इस तरह की चीजें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इनकी मानसिकता से खेलने के लिए ना इनको कहो जिसके इस तरह के अंग होंगे ना वो पति जिंदा रहेगा। ओए होए होए होए, इसका मतलब ये था कि उन्होंने दूसरे शब्दों के अंदर ये कहा कि लड़कियां आए, कहा कि हम उनके पट चेक करें, ठीक है उनके स्तन चेक करें, उनके पिछवाड़ों पे हाथ फेर के चेक करें, उनको नंगा करें बंद कमरों के अंदर ताकि उनकी जांच ले सके, उनके शरीर के मजे ले सके। फर्कबादी ने ठरकुल्ला ठरकुल्ला, तो ये उस वक्त के जो ब्राह्मण थे ठरकुल्ले थे, ठरकुल्ले थर्ड फॉर्म, तो ये इनकी हकीकत है। अच्छा अब यहां समझने के लिए एक चीज और है, वो ये है कि यार एक लड़की का फिजिक का इस प्रकार अट्रैक्टिव होना, इसमें उसके पति का क्या कमाल हो कि भाई उसके पति की आयु लंबी होगी, वो पूर्ण आयु वाला होगा और वो विधवा नहीं होगी, ये क्या? हमने तो देखा है जिनकी बीवी ज्यादा खूबसूरत होती है उसके साथ तो वैसे ही लोगों के दुश्मनी बढ़ जाती है, को उसको इधर से घेर को लड़कियों को काबू करने के चक्कर में रहता है। ये ढकोसला था, ढकोसला। या फिर दूसरा ब्राह्मणों को ये था कि अगर कोई लड़की सुंदर है ना जिसका पता चल जाए तो ये उनको बता के इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाए कि इस तरह की पत्नियों वाले पुरुषों से लोग मोहब्बत रखें, जी हुजूर ही करें उनके आगे पीछे। अपनी राम जी का सम्मान शायद इसी प्रकार या इसी कारण होता है, मुझे वल्ला वाला मुझे नहीं पता, मैं इसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकता, मगर ये है कि पता नहीं शायद ये इसीलिए सम्मान करते हैं राम जी का, क्योंकि इस तरह भी कई दफा हो जाता है। तो ये बड़ा मसला है सनातन धर्म में ना, एक समस्या है ये बहुत बड़ी। अली भाई मैं ये एक जो है ना इसमें थोड़ा सा पहुंचे, और मैंने भी यही अर्ज की थी जब पहली दफा इसके ऊपर प्रोग्राम जस्ट इस वाक्य के ऊपर किया था, तो यही था कि ब्राह्मणवाद के अंदर और ये लड़कियों को चेक करवाना, देखें कितना गंदा सिस्टम था, और फिर जो नतीजा निकाला है कि इस तरह की खूबसूरत लड़कियां होगी तो उनका पति जो है उनके बाद उसके पति की मृत्यु होगी, ये तो एक कहानी है। हालांकि ऐसे तो नहीं होता, हमारे सामने सोसाइटी में मौजूद है। अफसोस के साथ सीता जी और राम जी ने इस गंदे सिस्टम को भी बंद नहीं करवाया। ये किस तरह के देवी देवता थे, मैं तो ये समझता हूँ कि देवी देवता अगर आते हैं तो वो गलत रस्मों को बंद करने आते हैं, ये तो खुद गलत रस्मों का शिकार हो रहे हैं। एक बात यहाँ मुझे बताएं, मान लेते हैं कि सीता जी के स्तन लंबे थे, गोल थे, मान लिया, ये सारी बातें हमने मान ली कि उनके हिप्स ऐसे थे, ये कौन सा तरीका तारफ करवाने का और ये कौन सा तरीका है कि माताओं को पेश करने का, और फिर आप अपने घरों पर क्यों नहीं इसको अप्लाई करते? और फिर सीता जी का खुसूसन आज मैं जिस हवाले से गुफ्तगू कर रहा था वो ये थी कि सीता जी का कैरेक्टर क्या था, क्या हम उनको अपनी माओ बहनों बेटियों के सामने रख सकते हैं एज अ रोल मॉडल के ये देखें जी बहुत बड़ी देवी हैं,
राम जी की पत्नी है और ये उनका चरित्र है कि इंद्र का पुत्र एक देवता का पुत्र आके उनके साथ छेड़खानी कर रहा है और वो करवा रही है। और ये एक बार नहीं की उसने ये छेड़खानी एक बार नहीं की, वो कभी ना बताती कि अगर वो खून ना निकल आता वो राम जी को ना बताती। और यहाँ पर इस हद तक एक औरत की इज्जत लूटी जा रही है उस मौके के ऊपर, नंबर वन वो देवी थी तो उसकी शक्ति कहाँ है। चलो ठीक है, एक आम इंसान थी तो उसको काबिज करने चाहिए थे, अपनी इज्जत बचानी चाहिए थे अपने अपने पति। चलो ठीक है, बेबस हो गई, खुद भी नहीं कर सकती, तो पति किस लिए रखा हुआ है, तो पति को जगा ले। तो ये सारे काम नहीं किए सीता जी ने, तो इससे मैं किस नतीजे पे पहुंचूं? क्या ये शिक्षा ये अपनी बीवी को दे सकते हैं? क्या ये अपनी बेटी को कह सकते हैं? इसका जवाब आमिर भाई डेफिनेटली यही था कि नहीं। लेकिन ये गोल मटोल टाल मटोल नहीं दे रहे यार, नहीं दे रहे। इवन आपने जो पुरुस्ती भाई है उनसे पूछा कि भाई अगर आपकी पत्नी के बारे में कोई, फटाफट ना तुरंत ये उस पर आपको रोक कर ये कहते थे कि इसको छोड़ें ये बात ना करें, यानी बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। यार मैं तो मांग करता हूँ कि वाल्मीकि रामायण के ऊपर ना ये जो सीता जी के बारे में जो अश्लील और अभद्र भाषा का और मान मर्यादा का उल्लंघन किया गया है और बहुत गंदी शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं ये मांग करता हूँ वाल्मीकि रामायण के ऊपर बैन लग जाना चाहिए इंडिया में ना, 295C के तहत ना इस पुस्तक के ऊपर बैन लगना चाहिए, 295A के तहत। कौन सी पुस्तक पर शुरू कहां से? मैं कहता हूँ शुरू तो यहाँ से करें ना, क्योंकि देखिए राम जी तो आ गए हैं, राम आ गए हैं, अब वो आ गए हैं, मंदिर भी ओपन हो गया, अब बड़ी तादाद में लोग जो है वो राम जी की शंसा और स्तुति कर रहे हैं। तो ये मैं मांग करता हूँ, यहाँ बड़ी दर्दमंदाना मांग करता हूँ, बड़ी गंभीरता से, इधर गए चलो ठीक है जाना ही बनता था, गंभीरता से ये मांग करता हूँ कि बीजेपी को चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर है वो, ठीक है अयोध्या से वोट नहीं मिला, चलो इसी का गुस्सा निकाल दें, देखें अयोध्या में वोट नहीं मिला, बीजेपी को चाहिए दिस इज द राइट टाइम वाल्मीकि रामायण पर बैन लगा दें,